अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया इस देश में, आपको मालूम है उसका नाम है मोटर व्हीकल एक्ट, है ना, अंग्रेजों के समय का ये कानून। अब मोटर उस जमाने में अंग्रेजों के पास हुआ करती थी, हिंदुस्तानियों के पास तो मोटर होती नहीं थी। तो मोटर व्हीकल एक्ट की ड्राफ्टिंग करते समय अंग्रेजों ने ये व्यवस्था की कि इस मोटर व्हीकल एक्ट में कभी किसी अंग्रेज अधिकारी की मोटर को चलाते समय उसके नीचे कोई भारतीय आकर दब गया, कुचल गया, मर गया, तो इसमें सजा नहीं होनी चाहिए, और अगर सजा करनी ही पड़े तो कम से कम होनी चाहिए। साल भर की जेल हो जाए, डेढ़ साल की हो जाए, दो साल की हो जाए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। उसको जो है मर्डर नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि मर्डर में तो चले जाएंगे आप 302 में, वहां तो हो जाएगी फांसी या तो हो जाएगी आजीवन कारावास। तो अंग्रेजों ने मोटर व्हीकल एक्ट की ड्राफ्टिंग करते समय यह ध्यान रखा कि अंग्रेजों की मोटर के नीचे दबकर कुचलकर कोई भी हिंदुस्तानी मरे तो लंबी और कठोर सजा ना मिले। वही व्यवस्था आजादी के बाद भी चली आ रही है। आपको मालूम है संजीव नंदा का केस, जिसने खूब समझ बूझ कर, जान बूझ कर अपनी मोटर दिल्ली के फुटपाथ पर सोए हुए 8 लोगों के ऊपर चढ़ा दी, 8 मर गए। संजीव नंदा को अदालत ने बाइज्जत बरी किया था। अदालत का क्या कहना था, हम क्या न्याय दे सकते हैं, कानून अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है तो हम वही कर सकते हैं इस कानून के आधार पर कोई फैसला, न्याय तो हम दे ही नहीं सकते। उसी कानून के आधार पर सलमान खान अभी तक 6 लोगों को जिंदा मार चुका है, लेकिन सलमान खान को ना फांसी हो रही है ना आजीवन कारावास हो रहा है, छुट्टा घूम रहा है। थोड़े दिन बंद हो गया, फिर बाहर आ गया, क्योंकि इसमें बेल हो सकती है, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में हो सकती थी, क्योंकि मोटर उस समय अंग्रेजों की ही हुआ करती थी। ये व्यवस्था है हमारे देश। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के समय के बनाए हुए कानूनों के आधार पर किसी भी भारतीयों को न्याय मिल नहीं सकता।